हर जगह सिर्फ द केरला स्टोरी ही हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म ट्रेलर टीजर रिलीज से ही कॉन्ट्रोवर्सी में जो घिरी हुई है। इस्लामिक कन्वर्जन, 32,000 लड़कियों की कहानी और आईसिस का एंगल दिखाती ये फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में, जहां कुछ लोग इस फिल्म के फेवर में हैं, कुछ लोग इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कहने लग गए हैं। अब इन सभी के बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि अदा शर्मा ने भी अब लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करती है। वही एक संगठन ने फिल्म में किए जा रहे दावों को लेकर सबूत लाने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम की अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो इस मंडे अदा शर्मा की पहले बात कर देते हैं। इस मंडे अदा शर्मा ने एक ट्वीट किया, तो अदा शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि काफी सीनियर पोजीशन पर बैठे लोगों ने 2 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद द केरला स्टोरी को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, इसलिए पूरे सम्मान के साथ मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, उम्मीद है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से 2 घंटे का टाइम निकालेंगे और फिल्म जरूर देखेंगे। मुझे यकीन है कि वो यही पाएंगे फिल्म देखने के बाद कि हमने केरला की कोई भी खराब छवि नहीं दिखाई है। जय हिंद। अब इस मामले में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने फिल्म को नफरत फैलाने का जरिया बता दिया है। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगर बात करें तो उन्होंने भी फिल्म को लेकर कुछ ट्वीट किया है और अपने केरला की स्टोरी को सच नहीं बताया है। शशि थरूर ने अपने ट्वीट के थ्रू ये लिखा है कि मैं फिल्म पर बैन लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अहमियत सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केरला वासियों को सॉलिड आवाज में ये कहने का पूरा हक है कि हमारी वास्तविकता यानी कि हमारी रियलिटी का गलत प्रदर्शन किया जा रहा है। द केरला स्टोरी का मामला अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि केरला के मुस्लिम यूथ लीग संगठन ने फिल्म में किए जा रहे दावों के फेवर में बोला है कि प्रूफ सबमिट करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। अब इस अनाउंसमेंट को शशि थरूर ने भी अपने अकाउंट से शेयर कर दिया है और उन्होंने लिखा है कि अब उन सभी लोगों को अपने केस साबित करने का और पैसा कमाने का पूरा मौका है जो 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण का दावा करते आ रहे हैं। क्या वो ये चुनौती स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है, नॉट आर केरला स्टोरी। सुदीप्तो सेन ने द केरला स्टोरी को डायरेक्ट किया है, जो कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी को दिखाती है जो शादी करके मिडिल ईस्ट चली जाती है और वहां मजबूरन उन्होंने आईसिस का पार्ट बनना पड़ता है। इनमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां भी शामिल है। अदा इन्हीं लड़कियों में से एक का किरदार निभा रही है। ट्रेलर में दावा किया गया है कि इन लड़कियों का नंबर 32,000 है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। बाय द वे, विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि ट्रेलर में लव जिहाद जैसी बातों को दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बाकी अभी देखते हैं कि क्या अदा शर्मा की रिक्वेस्ट को लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्या उन पर कोई असर होता है या नहीं होता, क्या लोग इस फिल्म को एक मौका भी देते हैं या नहीं। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ द केरला स्टोरी का ट्रेलर देखो और अपने व्यूज इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इसी के साथ गाइज अभी के लिए इतना ही। मैं तो नाक्षी कालरा, जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।